एक बार की बात है, हरे भरे घास के मैदान में बेला नाम की एक सुंदर तितली रहती थी। बेला अपने जीवंत रंगों और सुंदर फड़फड़ाते पंखों के लिए जानी जाती थी। वह घास के मैदान और आसपास के बगीचों की खोज करना पसंद करती थी, फूलों के मीठे अमृत में आनंदित होती थी। एक सुनहरी सुबह बेला अपने सामान्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। नए फूलों की खोज करने और अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ी, उसने देखा कि एक छोटा सा कैटरपिलर एक पत्ते पर धीरे धीरे रेंग रहा है। जिज्ञासु बेला कैटरपिलर के पास गई और पूछा, हेलो लिटिल कैटरपिलर, तुम क्या कर रहे हो? कैटरपिलर ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और जवाब दिया, हेलो बेला, मैं इन पत्तियों को खा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पसंदीदा भोजन है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एक सुंदर तितली बनने का सपना देखता हूँ। कैटरपिलर के सपनों से बेला प्रभावित हुई और उसने मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वह सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं तितली बनने के बारे में जानती हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा और एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरना होगा। कैटरपिलर बहुत खुश हुआ और बेला के मार्गदर्शन का पालन करना शुरू कर दिया। बेला ने कैटरपिलर को खाने के लिए सही पत्ते खोजने और आराम करने के लिए एक आरामदायक कोकून बनाने के बारे में सिखाया। उसने समझाया कि कोकून के अंदर जादुई परिवर्तन होंगे, कैटरपिलर को तितली में बदलना। दिन हफ्तों में बदल गए और कैटरपिलर ने अपने कोकून को फैलाया। परिवर्तन होने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। बेला प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश करते हुए उसके पक्ष में रही। अंत में वह दिन आ गया जब कोकून फटा और एक शानदार तितली निकली। नई रूपांतरित तितली अब सुंदर पंखों वाली अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रही थी। यह बेला के चारों ओर फड़फड़ाया, उसके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बेला गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, मेरे दोस्त तुम तितली बन गए हो, अब तुम मेरी तरह दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। तितली को एहसास हुआ कि बेला की मदद ने उसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने जो कृपा प्राप्त की थी उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसने अपने सामने आने वाले अन्य कैटरपिलरों की मदद करना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे बेला ने इसके लिए किया था। साथ में बेला और तितली घास के मैदान में दया और दोस्ती का प्रतीक बन गए। उन्होंने अन्य कीड़ों को एक दूसरे की मदद करने और परिवर्तन को अपनाने के महत्व के बारे में सिखाया। घास का मैदान एक सामंजस्यपूर्ण स्थान बन गया जो ऐसे प्राणियों से भरा हुआ था जिन्होंने इको समर्थन और प्रोत्साहित किया। कहानी का नैतिक यह है कि हम चाहे कितना भी छोटा या महत्वहीन महसूस करें, हम सभी के पास किसी और के जीवन में बदलाव लाने की शक्ति है। दूसरों की मदद करके और दयालु बनकर हम बेला और तितली की तरह खुशी ला सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।